does. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where. Assalamu alaikum wa rahmatullahi dosto. मैं वेलकम करता हूं दोबारा आपको नए व्लॉग में। तो यहां पर नए व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आज कहां जा रहे हैं हम, लेकिन जाने से पहले बस आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज ईद का दूसरा दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना मस्जिद नबी में नमाज फजर की नमाज़ पढ़ी। आज हम जा रहे हैं वादी जिन। सुना है कि वादी जिन में जो है ना एक ढलान है, वहाँ पर जब पानी या कोई चीज़ वहाँ पर गाड़ी या वहाँ पर छोड़ ढलान के उस तरफ जाने के बजाय उसके अपोजिट जाते हैं, तो ये वहाँ पर जाकर हम तजुर्बा करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पर जो है ना क्या वाकई ऐसा कोई है मुआजा या वाकई सब लोग ऐसे बोलते हैं। तो चलते हैं वादी जैन दोस्तों। तो हम चल रहे हैं अभी वादी जैन, अभी ट्रैवल करेंगे हम, लेकिन ट्रैवल करने से पहले चाय की चुस्की लाजमी है, तो ताकि गाड़ी ड्राइव भी सही तरीके से होगी और अच्छे तरीके से होगी। तो चलते हैं वादी जैन, पहले मुझे चाय पी लेते हैं। टेक केयर। फ्रेंड्स ये देख रहे हो, ये वादी जिन के रास्ते में एक छोटी सी मस्जिद आती है, किसी ने बनाई है और सवाल के अच्छा काम है। सारे पहाड़ वगैरह इसमें चल रहे हैं, छोटी सी मस्जिद है, लेकिन मैं जो रुका हूँ वो वॉशरूम में जाने के लिए रुका हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर एक छोटा सा एक ये वॉशरूम बनाया हुआ है। गाड़ी तो ये छोटा सा वॉशरूम बनाया हुआ है, तो वॉशरूम में जाने के लिए मैं रुका हूँ। तो बाकी का सफर तय करेंगे जो तो ये रोड है, यहाँ पे इस रोड से हम जाएंगे चलेंगे। दोस्तों ये जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग जो है अभी वादी जैन में ही फिर रहे हैं और देखें कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, पहाड़ों के दरमियान में है। लेकिन दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं हम वादी जैन में पहुंच गए हैं और यहाँ पर यहाँ भी ढलान पे जो है ना आप यानी कि ढलान के जो भी चीज़ आप रखेंगे या व्हील रखेंगे या गाड़ी रखेंगे तो वो उसकी अपोजिट से शुरू होती है ढलान, ये यानी कि ढलान है ऐसे ऊपर जाती है, ऊपर की तरफ रोड है। और ये देख रहे हैं कैसे ये बोतल जो है ना ऊपर ढलान के अपोजिट में जा रही है, यहाँ पर पानी डालेंगे तो ऊपर ढलान पे चढ़ जाएगा और बोतल को करोगे तो वो भी कैसे अपोजिट में जाएगी, यानी कैसे खूब खूब। हालांकि ये ढलान है, ढलान के अपोजिट में जा रही है। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने दिखाया वादी जिन पे हम लोग आए थे, तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा मैंने आपको तजुर्बा करके दिखाया कि बोतल को देख जैसे देखा ढलान पे कैसे बिल्कुल जो है ना अपोजिट में जाती है, और ये वाकई सही बात है और मैं देख के चौंक गया कि यानी कि कुछ होगा कोई। पर यहाँ पर बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है जो उसको खींचती है गाड़ियों को, पता नहीं वादी जिन है और ये टेक्निकली तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सुना है कि ऐसा है। बहरहाल ये है कि एक और तजर्बा मैं करके दिखाऊंगा, जब गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा तो इस ढलान पे आके न्यूट्रल करूंगा, देखो तो फिर कैसे ऑटोमेटिक गाड़ी जो है ना जाती है। दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर आएंगे तो ऊंट की सवारी भी यहाँ पर है, यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी फूड ट्रक्स टाइप की यहाँ पर मिलेंगी, जहाँ पर आपको खाने पीने की हर चीज़ आपको मिल जाएगी, फ्रेश जूस मिल जाएगा और आपको आइसक्रीम मिल जाएगी और बर्गर वगैरह और
हर चीज यहाँ पर मिलेगी। मैं आपको दिखा, ये देखें यहाँ पर ऊँट भी, यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए ऊँट भी हैं। तो यहाँ पर लोग देखो कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के लिए, पहाड़ में कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ जो है ना यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर ये फूड ट्रक्स, ये जिसको बोलते हैं फूड ट्रक जो है ना यहाँ पर टाइप के यहाँ पर शॉप्स वगैरह हैं, और यहाँ पर आपको आइसक्रीम वगैरह भी मिल जाएगी। यहाँ पर ये देखो फ्रेश जूस वगैरह भी मिल जाएगा, यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाने पीने की और बर्गर वगैरह यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो आप बहुत सारी यहाँ पर फैमिलीज़ भी आई हुई हैं और अकेले लोग भी आए हुए हैं, ईद का दिन है। तो यहाँ पर देखो पहाड़ों में कैसे उन्होंने जंगल में मंगल बनाया हुआ है, ज़बरदस्त। मदीना सिटी से जो है ना सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है, आधे पौने घंटे में पहुँच जाएँगे, और बहुत अच्छी जगह है इंजॉय करने के लिए। दोस्तों थोड़ा सा चलने के बाद थोड़ा सा आदमी यहाँ पर गर्मी महसूस करता है, तो गर्मी में मैंने भी ये आइसक्रीम ली है, और आइसक्रीम भी हुई गर्मी में, अगर आइसक्रीम मिल जाए तो नेमत से कम नहीं है। तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए मैंने आइसक्रीम ले ली। अब जब तक मैं आइसक्रीम खाता हूँ तो टेस्ट करता हूँ कि आइसक्रीम कैसी है यहाँ पर, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छी है, नॉट बैड, लेकिन मेरा आइसक्रीम का कुछ लोगों को तो मालूम है कि मेरा आइसक्रीम का तजुर्बा है तो वो मेरे स्टैंडर्ड की तो नहीं है आइसक्रीम, लेकिन फिर भी बेहतर है। मैं जो उधर गांव में, हमारे गांव में जो वो साइकिल वाले ले आते हैं ना, वो फेरी वाले वो जो लेके फिर रहे होते हैं, तो वो जो आइसक्रीम बेचते हैं तो उससे कम अज कम बेहतर है, तो बहुत अच्छी है वैसे उसकी निस्बत से। और बाकी जो मेरा स्टैंडर्ड है अपना, क्योंकि मेरा आइसक्रीम में 8-10 साल का तजर्बा है, मैं सेल्समैन ही और सुबह सेल्स सुपरवाइजर रह चुका हूँ, तो इसलिए मेरा कुछ स्टैंडर्ड अप है, तो इसीलिए मुझे उस लेवल की नहीं लग रही, लेकिन बेहतर है। तो बहरहाल आगे चलते हैं। दोस्तों वेलकम बैक। वादी जिन की एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर आए तो देखा तो यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं। मेरा भी दिल कर रहा था कि पहाड़ पे चढ़ूँ। बचपन में हमारे जो इलाका है, जो हमारा शहर है, उसमें तो पहाड़ नहीं है, लेकिन कभी पहाड़ों के एरिया में, इलाके में जाना होता था, दिल करता था कि पहाड़ों पर चढ़े, और कितनी दफ़ा चढ़े भी हैं, लेकिन आज भी वैसे दिल कर रहा था, लेकिन मैं नहीं चढ़ा। लेकिन इधर आया देखा तो बहुत सारे लोग जो है ना ऊपर पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कुछ बंगाली भाई यहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं। ये ऊपर मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये भी कुछ पाकिस्तानी भाई है, देखो पहाड़ पे। और एक और मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर अभी तक ऊपर जा रहे हैं कुछ लोग, देख रहे हैं ना। और ऊपर कुछ, ये देखो अल्लाह के बंदे यहाँ पर भी पहुँच गए हैं, और यहाँ पर एक बंदा तो बिल्कुल टॉप पे नज़र आ रहा होगा, मेरा ख्याल है वहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो ये है, ये देखें अब ये है जनाब, ये हैं, और थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर हैं, तो थोड़ा सा ऊपर ये बैठे हुए हैं, जा रहे हैं अभी, और जो है ये अभी रास्ते में फिर रहा है। तो ये जो है ना बिल्कुल टॉप पे ये जीत गया है। तो ये कितना ऊंचा पहाड़ है मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें वो ऊपर तक ले गए। अब देखो छोटी बच्ची का क्या काम ऊपर, यहाँ से अगर गिर जाए तो कुछ हो जाए तो क्या फ़ायदा। तो दोस्तों ऐसी उससे आप लोग इज्तनाब किया करें, क्योंकि ले जाना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन वहाँ से फिर नीचे उतारना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों अपना व्लॉग ख़त्म करने से पहले बस आखिरी एक मौजज़ा दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूंगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी गाड़ी न्यूट्रल चल रही है, और आगे ढलान है, और ढलान के अपोजिट में ऑटोमेटिक जाएगी, ब्रेक लगा कर फिर मैं चलाऊँ वो करूँगा तो वहाँ पर ढलान पर ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी। तो ये जैसा देख रहे हैं कि मैं जैसा ये देख रहे हैं कि ये ऊपर ढलान है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरी गाड़ी बिल्कुल न्यूट्रल पे है, एन पे है, ठीक है। तो ये एन पे होने के बाद ये ढलान आ गई, अब ढलान से ऊपर गाड़ी जा रही है,
और ढलान पे जो मेरी गाड़ी की स्पीड है ऑटोमेटिक वो 20 के ऊपर जा रही है। अब ढलान जैसे खत्म होगी तो मेरा ख्याल है ये इससे भी ऊपर जाएगी। तो बहरहाल ये एक मौजज़ा है वाकई। अब इसके पीछे क्या यानी कि वो है वो खुदा बेहतर जानता है, लेकिन ये आखिरी में वो दिखा कर, ये देखो मैं गाड़ी मेरी न्यूट्रल है, आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी न्यूट्रल है और न्यूट्रल होने के बावजूद भी गाड़ी जो है इस टाइम चढ़ाई है और चढ़ाई पे भी जो है ना 140। ओह माय गॉड, आगे से गाड़ी आ गई। मुझे ब्रेक लगाना पड़ा, नहीं तो मेरा ख्याल है 100 से ऊपर चली जाती है। दोस्तों जैसे देख सकते हैं 80 से अबव जा रही है, आगे रश है, लोग यहाँ पर बहुत सारे आए हुए हैं, तो मैं ब्रेक लगाना पड़ेगा, ये ना हो कि कोई हादसा हो जाए खामखा। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर ये लोग, देखो ये यहाँ पर चेक भी कर रहे हैं। तो ऐसी है वादी जिन। चलो दोस्तों मैं अपने व्लॉग का यहीं पे इख्तिताम करता हूँ और वादी जिन की आपको मैंने सैर कराई और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक दुआ में याद और इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहें।